होगा, आपने देखा होगा वो जाम मारोगे ना वो हल्का हल्का रस्टिंग आने लग जाती है, अच्छा रिएक्शन कर जाता है वो। गाड़ी में हम कैसे हम साफ कर सकते हैं उस इकोनॉमिकल रेट लगा के यार देखो हर बंदा करा सके, मजबूरी है तो हम फायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे हम फाइनल स्टेप की तरफ आ चुके हैं जिसमें हमारी गाड़ी में फॉग मशीन कह लो या फिर सैनिटाइज मशीन कह लो पूरी गाड़ी में होगा। सो हे गाइस व्हाट्स अप बैक टू माय चैनल, आज आपका भाई है गैलेक्सी कार के अपने दफनीक जी रहने, तो जी पहले तो हेलो कर दो। जो भाई दफनीक जी को नहीं जानते हैं बता दूं हमारी ऑल्टो को पहली बार वॉश अपने दफनीक जी ने किया था, इसमें पूरी रबिंग वगैरह हुई थी। तो आज अपनी गाड़ी में दफनीक जी क्या कर रहे हैं? आज अपनी गाड़ी थोड़ा सा लाओ गाड़ी पूरी सैनिटाइज करने लगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या बेनिफिट होता है वो सारा और सैनिटाइज। जैसे हम घर तो साफ रखती रखते हैं और गाड़ी और दूसरे अगर होती है तो सैनिटाइज, जैसे आपको पता है आसपास का क्या वातावरण चल रहा है आजकल, सब लोग बैक्टीरिया भी रहना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता मेरी गाड़ी में जाऊँ, सो घर में तो साफ करती है बट गाड़ी में हम कैसे हम साफ कर सकते हैं सारी चीज आपको दिखाने लगा, मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखें। तो दफनीक जी थोड़ा सा प्रोसेस समझाओ कैसे हम क्या कुछ करने वाले, फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, सेकंड प्रोसेस क्या है? सर जैसे कि हमारी गाड़ी दो पार्ट में डिवाइड है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, ठीक है? तो एक्सटीरियर सैनिटाइज का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है और इंटीरियर सैनिटाइज का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि एक्सटीरियर थोड़ा मेटालिक कोटिंग है, ठीक है, और इंटीरियर थोड़ा सॉफ्ट लेदर है। हाँ। तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी भी बिल्कुल हार्म ना हो और चीज भी अच्छी जो हमारे इंटीरियर ट्रिम्स है वगैरह कोई हार्म ना हो। आप देख सकते हो कि एक्सटीरियर पहले हम क्या करते हैं, जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वैसे ऑर्गेनिक है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा लोग की स्प्रे कर रहे हैं, मैं आपको कुछ उसका ही बताता हूँ। हाँ। यूज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसमें क्या डिफरेंस है और हमारे वाले में क्या डिफरेंस है? सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर आपने यूज भी करा होगा, आपने देखा होगा वो जब मारोगे ना वो हल्का हल्का रस्टिंग आने लग जाती है, अच्छा रिएक्शन कर जाता है वो, करता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा, जो हम यूज करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक है, इससे कुछ भी इशू नहीं आएगा, कुछ भी इशू नहीं है। इवन आप उसे अपनी बॉडी पे भी स्प्रे करेंगे भाई। हाँ। लड़के की आँख पे लग जाए, जो आपने मेरे को अभी स्टार्टिंग में घुसते किया था, बस बस अच्छा अच्छा वो जरूरी है, ठीक है, ये मतलब हर कोई सेफ रहे। तो हमारे दो प्रोसेस रहने वाले हैं, पहले एक्सटीरियर फिर इंटीरियर, मतलब एक्सटीरियर के लिए प्रोडक्ट थोड़े से डिफरेंट है, इंटीरियर के लिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हम जो एक्सटीरियर करेंगे उस वाले से करेंगे जो आपने मेरे ऊपर मारा था, तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट भैया हमारे करें, भैया कर दीजिए स्टार्ट, आप आगे सिनेमैटिक एंजॉय करो। यहाँ पे फाइनली अपनी गाड़ी अंदर आ चुके हैं, तो भैया यहाँ पे हम अभी सुखाने का प्रोसेस चल रहा है अपना, उसके बाद क्या करेंगे? वैक्स लगेगी, वैक्स लगेगी, उसके बाद इंटीरियर पे बाहर करने के बाद जाएंगे। तो यहाँ पे भैया को सुखाने हैं।
यहाँ पे अपनी गाड़ी प्रॉपरली सूख चुकी है, अब यहाँ पे वैक्स लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आप गाड़ी देखो कैसी लग रही है, और वैक्स लगने के बाद जैसे ही डन होता है हमारे भैया पूरी गाड़ी में कर लेते हैं और फिर पफिंग मशीन चला दे, तब मैं आपको दिखा। अपनी गाड़ी अंदर से पूरी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो भैया एक बात बताओ मेरे को, अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? मैट डालेंगे उसके बाद अंदर से बोर्ड लगेगी, सैनिटाइज वाला रहता है, मतलब मैट वैट सब डालने का सैनिटाइज रहता है, ठीक है। तो भाई एक बार आपको चेक करा दूं, तो भाई बहुत गंदी हो रखी थी, अब प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है, चेक करो मैट अभी साफ होने को गया है, जैसे ही आते हैं एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। और अभी बाहर बफिंग होनी रहती है, एक बार आपको वर्कशॉप भी दिखा दूं। तो यहाँ पे ऐसा कि आप देख पा रहे हो अपनी बलिनो भी आ रखी है। दफनी जी कितनी गाड़ी की स्पेस है अपने पास? चार से पांच। तो यहाँ पे आराम से आप चाहो तो भाई बहुत प्यारा काम करा सकते हो, पूरा इंडोर है, सेफ्टी है। दफनी जी क्या क्या फैसिलिटी हमारे पास है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इसमें सर मेन है कि सबसे पहले कि सारा इंडोर है, आपकी गाड़ी पूरी सेफ है, सिक्योर है। प्लस जैसे अगर हम अपने आउटलेट की बात करें तो जैसे कुछ कस्टमर को होता भी है कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, प्रॉपर कैमरे तक लगाए हुए हैं भाई, ये चेक करो क्या नहीं है क्या नहीं है। बिल्कुल, इसके अलावा कि हमने सारा न्यूमेटिक करा हुआ है, अच्छा मेरी गाड़ी के लिए यहीं से पाइप लिया गया था एयर मारने के लिए, बिल्कुल से डस्ट वगैरह भी ज्यादा उड़े ना, और सेफ्टी से लड़कों का भी ध्यान रखे, हर लड़के के नीचे पंखा तक है कि यार उसको गर्मी तक ना लगे, आराम से काम, मतलब सेफ्टी को लेके पूरा एकदम कंफर्ट लेवल भी, कि लड़के को भी मतलब ऐसा नहीं कि लेबर है तो यार उसको मैंने छोड़ना नहीं, उसको भी अच्छे से काम हो, उसको पूरी फैसिलिटी, फुल मजेदार वाला ट्रीटमेंट हमारे दफनी जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे भाई बहुत नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है। और लास्ट में प्राइस वगैरह सब कुछ बताइए कितनी क्या लगी, इसको क्या बोलते हैं जो हम कराए सैनिटाइजेशन का प्रोसेस? वॉशिंग और सैनिटाइजेशन दोनों साथ करते हैं, ठीक है, अभी प्रोसेस हो रहा है। और क्या क्या मतलब हमारे पास फैसिलिटी है इसके अलावा? जैसे डिटेलिंग सर्विसेज सारे, ठीक है, सिरेमिक कोटिंग वगैरह, सिरेमिक कोटिंग, और मेन हमारा पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, पीपीएल भी करते हैं, डेंट पेंट का भी है, और आप रैपिंग वगैरह भी करा सकते हैं, जैसे रोल यहाँ पे पड़े, मतलब जो भी मन करे, बस आपने दफनी जी को कॉल करके बोलना है कि दफनी जी मेरे को ये कलर चाहिए, दफनी जी पूरी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल कर देंगे। बोर्ड का बहुत हाई एंड होता है जितना मैंने सुना है, अच्छा जैसे जितने प्रीमियम ब्रांड होते हैं ODBM हर जगह बोर्ड अप्रूव्ड है, अच्छा अप्रूव प्रोडक्ट है आपका, मतलब ऑयल तक उनमें बोर्ड का ही डर, अच्छा देखोगे ना बोर्ड वालों ने प्रॉपर हमें हेल्प करा, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अलॉय जैसा कि आप देख पा रहे होगे, भैया आपका नाम क्या है? अमन। अमन भैया ने बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से चमका दिया, आप चेक करो, और इधर वाला भैया चमका रहे, और यहाँ पे हमारे भैया बफिंग का प्रोसेस स्टार्ट होते हुए, अब आगे आप बफिंग का प्रोसेस एंजॉय करो। यहाँ पे हम फाइनल स्टेप की तरफ आ चुके हैं, जिसमें हमारी गाड़ी में फॉग मशीन कह लो या फिर सैनिटाइज मशीन कह लो पूरी गाड़ी में होगा। तो यहाँ पे भैया ने मशीन रख दिया। भैया एक बात बताओ, इसको दरवाजा बंद करना पड़ेगा खुले रखना पड़ेगा? दरवाजा खुले रहेगा अभी, दरवाजा खुला रहेगा अपना, ठीक है। कितनी देर का प्रोसेस है भैया? मुश्किल से 5 मिनट का, 5 मिनट का प्रोसेस है। और ये क्या लगा रहे हो? जो सैनिटाइजर है, अच्छी सैनिटाइजर है, ठीक है। यहाँ पे भैया इसको ऑन करते हुए, थोड़ा टाइम लेगा ये, 3 मिनट बाद हीट होके अपने आप चलेगा। अच्छा 3 मिनट बाद हीट होके अपने आप चलेगा, ठीक है। भाई एक बार आपको दिखा दूँ, बफिंग वगैरह सब डन हो चुकी है, अब गाड़ी की ओवरऑल लुक चेक करो भाई, स्पेशली अपनी लाइट जो मोहित भैया ने लगाई थी, ये ट्यूबलाइट आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ जो शाइन इसमें आ रही है, अलॉय हमारे अमन भैया ने गजब के कर दिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी मशीन ऑन हो चुकी है, मैं थोड़ा सा अंदर ले चलूंगा आपको। ये अपनी पूरी गाड़ी सैनिटाइज हो रही है, तो भाई ये चेक करो, धुआं धुआं फुल धुआं धुआं,
सारे दरवाजे खोल दे। ये हमने सारा दरवाजा खोल दिया, तो आप ये चेक करो भाई। सो गाइस फाइनली हमारी पूरी की पूरी गाड़ी चमक भी गई और सैनिटाइज भी हो गई। तो एक बार आपको अंदर से चेक कर रहा हूँ, जो उस टाइम आपने फॉग देखा था अंदर की तरफ, वो काफी ज्यादा एकदम क्लीन हो चुका है क्योंकि हमने दरवाजे खोल दिए थे। और बिल्कुल हमारी गाड़ी जो भाई शोरूम से भी नहीं, शोरूम के बाद जो हम कराते डिटेलिंग, सेम टू सेम एज इट इज वो हो गई है। एक बार चेक करो, अलॉय दिखा दिए थे मैंने आपको, स्टिल आप एक बार फिर से चेक करो। और ये अपना स्पॉयलर भाई, बाकी लुक बताना कैसी आ रही है, आपको साइड से भी चेक करा दूं। सो गाइस जैसा कि आपने सब कुछ देखा होगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जैसा कि तब्दील जी ने बताया था यही प्रोसेस होना है, वैसे ही पूरा फॉलो किया गया। लास्ट में जो सैनिटाइजेशन मशीन, उसको फॉग मशीन कहते हैं तब्दील जी, फॉग मशीन से जो भाई फॉग हो गया था ना अपनी गाड़ी में, गजब का लग रहा था। अब अपनी गाड़ी पूरी सैनिटाइज हो चुकी। तब्दील जी ये प्रोसेस जो होता है कितने टाइम पीरियड में करा देना चाहिए? सर देखिए जैसे अभी कंडीशन है, हम तो वैसे रेकमेंड करते हैं और जो हमारे कस्टमर भी है कि आप जब भी वॉश कराओ दो तीन महीने में एक बार ही, आप तब कराओ। तब नॉर्मली आज के डेट में क्या है कि सिंगल यूजर होता है, ज्यादातर सिंगल यूजर ही होता है आज के डेट में, सिंगल यूजर ही यूजर है। तो सिंगल यूजर है तो गाड़ी देखो इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती। हम जो है नॉर्मली कस्टमर को भी हम रेकमेंड करते हैं कि आप जैसे दो तीन महीने में कार वॉश करा रहे हो साथ में आप सैनिटाइज करो। अच्छा, मतलब दो तीन महीने में रिकमेंड रहता है कि आप जब भी गाड़ी वॉश करो तो एक बार सैनिटाइज प्रोसेस भी करा लो। अब मोटी मोटी बात है तब्दील जी, क्या कॉस्टिंग गाड़ी में लगी, ये पूरा प्रोसेस क्या कॉस्टिंग लगी? इसमें ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ उसे सैनिटाइज कराते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर, उसके हम 300 चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमें वॉशिंग के साथ करते हैं, जैसे हम वॉशिंग में स्मॉल कार हैचबैक के हम 600 लेते हैं, ठीक है, सेडान की 700 लेते हैं और एसयूवी की 800 लेते हैं। और लग्जरी गाड़ी? लग्जरी के 1000। तो भाई लग्जरी नाम है तो लग्जरी के भी चार्ज है। लग्जरी में सर देखिए सेफ्टी हमें भी अपने एंड पे देखनी पड़ती है, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि कुछ खराब ना हो उसमें, तो वो छोटी छोटी बस वो भी देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वही अगर आप वॉशिंग और सैनिटाइज कराते हैं तो हम +200 होता है सर। तो मतलब जैसे हैचबैक हो गया, जैसे आपकी स्विफ्ट होगी उसमें वॉशिंग पॉलिशिंग एंड सैनिटाइजेशन के टोटल 800 होते हैं, 600 +200 आपके प्रोसेस किया था बाहर से स्टीमिंग करा है, पॉलिशिंग करा है तो 800, ठीक है, मतलब 600 +200। और सिंगल कराते तो हमको गाड़ी मेरी सेफ चाहिए। जी और क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलती है? सर अभी देखिए कोविड करके अभी फिलहाल तो एक ही आउटलेट पे ही वर्किंग कर रहे हैं प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ। बाकी ये कि एक जो हमने मेजर फैसिलिटी ऐड करी है पिक एंड ड्रॉप सर्विस, वो पहले नहीं थी, पहले की थी पर अभी और ज्यादा सेफ्टी ले रहे हैं। कस्टमर थोड़ा हो रहा है कि यार इस मतलब सीजन में हमें या इस प्रॉब्लम में जाना बाहर निकल बाहर नहीं जाना, प्रॉपर सेफ रहे, बच्चे या घर में बुजुर्ग है बिल्कुल सही दिक्कत ना है, तो हम इसमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा प्रॉपर सैनिटाइज करेगा कार को, आपकी की को, इंटीरियर को, गाड़ी लेकर वहाँ पे करेगा, फिर यहाँ पे लेके आएगा, इंटीरियर स्प्रे बोतल वगैरह उसे वो सब देते हैं। और बाकी जैसे मोड ऑफ पेमेंट आप कैश ना देके आप ऑनलाइन करो, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया दफ्तरी जी ने कि किसी को दिक्कत ना हो, सीनियर सिटीजन हो, किसी घर में कोई आना नहीं चाहता बाहर, क्योंकि सब लोगों को लगता है ना बाहर निकल के थोड़ा डर सा रहता है बंदे के लिए, अपनी लाइफ को भी दिक्कत में ना, घर में अगर बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा दिक्कत, और ये कि छूने जब रहता है तो सबसे बड़ी दिक्कत है। दफ्तरी भैया किसी को इतना प्यारा प्यारा काम करना है कैसे आपके पास आ सकता है, क्योंकि मैं पहली बार गया था जनकपुरी में। सर देखो वैसे तो आपके थ्रू हमें बहुत काम मिला है, इसलिए पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपके तो सही में काफ़ी कस्टमर अप्रोच हमें करा कि भैया हमने वीडियो देखी थी तो हमारा हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार बाकी तो आपको हम पीछे पड़े रहे, आओ आप नहीं आए वो दूसरी बात है कि आपके पास टाइम इतना है नहीं है। बाकी वैसे हमारा एड्रेस अभी फिलहाल हम मायापुरी पे ही वर्किंग कर रहे हैं प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, ठीक है। तो मायापुरी का हमारा एड्रेस है C194 फेस रोड मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया। और जनकपुरी वाला आउटलेट का तो जनकपुरी वाला सर देखिए वो हमारा आउटडोर है तो इसलिए सिर्फ माहौल देख के अभी बंद करो। अच्छा, आप भी सेफ रहो हम भी सेफ रहे, बिल्कुल इंडोर में है कि
प्रॉपर सेफ्टी है, बंदा आ गया आराम से चिल कर सके और अपना काम देख सके, आराम से बैठे कस्टमर लॉन्च में बैठे टीवी देखे वाईफाई यूज करे चाय पानी पिए, पबजी वगैरह तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सब भी आप खेल सकते हो। तब भी एक बार नंबर ही बताइए किसी को, कोई एक्स वाई जेड गाड़ी में कोई ये एक्स वाई जेड चीज कैसे आप तक पहुँच सकता है, एक बार नंबर ही बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है सर 9911522861। एक बार फिर से लाउड 9911522861। सो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक दे दो, कहीं से भी आ रहे हो डायरेक्ट यहाँ पहुँचोगे और डब्ल्यू वी का नंबर यहाँ पॉपअप होता मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई भी आपकी इंक्वायरी होगी कार डिटेलिंग वगैरह सैनिटाइजेशन सिरेमिक कोटिंग एक्स वाई जेड कोई भी आपकी इंक्वायरी होगी व्हाट्सएप नहीं तो आप कॉल कर सकते हो। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको पता चला कि भाई गाड़ी सैनिटाइज कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ में भाई दूसरा घर रहता है हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करें बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक वीडियो देखी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं किया दोस्त फैमिली तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते तब भी भैया भूल गए याद ना, हाँ अभी बोलूंगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब भी भैया बाय। Hey!